विधानसभा 336 देवरिया जिले के हम रहने वाले हैं। जो मोड़ है वहाँ से हम आ रहे हैं। हम आदरणीय नेताजी को अपना आराध्य मानते हैं। मेरे शरीर के हर कतरा में नेताजी हैं, इसलिए उनके जाने से मैं बहुत दुखित हूँ। मैं सही तरीके से न जग पा रहा हूँ, न सो पा रहा हूँ। इसके कारण मैं नेताजी से यहाँ पर इस पावन धरती पर इनकी धूल से अपने शरीर को लगा लेना चाहते हैं। जिस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया, ऐसी मिट्टी भारत माता ऐसे संतान को जन्म दिया जो जन जन के प्रिय थे, इसलिए हम एक कतरा हैं वो, और इस मिट्टी से हम अपने को शुद्ध बनाना चाहते हैं। इसलिए परिक्रमा अपने आराध्य का करने आए हैं। आज श्रद्धा सुमन अर्पित करके पुनः यहाँ से हम समाधि स्थल तक जाएंगे, ऐसे ही जाएंगे, और वहाँ पर भी परिक्रमा करके तब जो है अगला कार्यक्रम हम निर्धारित करेंगे। ऐसा मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा कोई नहीं है, हम अनाथ हो गए हैं, और इसके कारण जो है यह जो है जन्म उनके बिना अधूरा है। ये हमारे नेताजी ऐसे थे जो मेरे रंगों में बसते थे, केवल उनका जो भाषण या उनका कार्यक्रम मैं सुन लेता था तो मुझे तसल्ली मिल जाती थी। हम मिले ना मिले, लेकिन हम लोग ऐसे सिपाही हैं जो बहुत छोटे जन्म से तभी से हम नेताजी को अपना आराध्य मानते हैं। नहीं, मुलाकात कभी नहीं हुई है, लेकिन बहुत दूर रहने के कारण, एक गरीब परिवार में जन्म लेने के कारण हम ऐसा कभी नेताजी से मुलाकात नहीं कर पाए। लेकिन उनको हम कभी टीवी चैनलों पर चाहे जहां पर भी होता था, अगर सभा गोरखपुर में लगी रहती थी, देवरिया में लगी रहती थी, तो हम सुनने बनारस तक गए हैं उनकी सभा में सुनने के लिए।